राज्यसभा में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बैठक। मंत्री बोले, हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि राज्यपाल को नहीं कैबिनेट का प्रस्ताव लौटाने का अधिकार, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक मदन दिलाकर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, स्पीकर ने दिलावर की खारिज की याचिका। राजस्थान के 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में जाने पर बिफरी मायावती, बोला सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है, आईएसआई ने आतंकी हमला करने की साजिश रची है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में 200 से 250 लोगों को न्योता, पीएम मोदी अमित शाह के साथ उद्धव को भी न्योता। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने टाइम कैप्सूल की खबरों का खंडन किया, मंदिर की नींव में डाले जाने की थी खबर। पूजन से पहले अयोध्या को सजाने सवारने का काम तेज हुआ, 500 करोड़ रुपए की परियोजना से विकास काम किया जाएगा। अयोध्या बाईपास पर 55 करोड़ की लागत से सिविल कार्य और सौंदर्यीकरण होगा, नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुरारी बापू ने राम मंदिर के लिए तुलसी पत्र के रूप में 5 करोड़ रुपए दान देने की बात की है, 5 अगस्त को रखी जानी है नींव। भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर नया विवाद सामने आ रहा है, दूरदर्शन पर प्रसारण पर कम्युनिस्ट पार्टी ने आपत्ति जाहिर की है। केंद्र सरकार चीन से आयात कम करने के पक्ष में है, क्वालिटी कंट्रोल में मानक सख्त किए जाएंगे। अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी को पाकिस्तान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, गिलानी को मिलेगा निशाने पाकिस्तान। पाकिस्तान के लाहौर में भाई तारू सिंह जी की शहादत की याद वाले गुरुद्वारे को मस्जिद में बदला गया है, अमरिंदर सिंह की इमरान को खत। लाहौर में गुरुद्वारे को मस्जिद में बदलने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है, विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायोग से अपना विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान ने जम्मू के पुंछ के कस्बा किरनी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान, कहा कि बलि ही देनी है तो अपने बच्चों की दें। दारुल उलूम के प्रवक्ता ने भी बीजेपी विधायक के इस बयान को गलत ठहराया है और कहा है कि सरकार के एडवाइजरी के तहत कुर्बानी दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड में बीजेपी के 8 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। दिल्ली के नरेला में युवक पर बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां, युवक की मौके पर मौत हुई। दिल्ली के चिलकनगर में एनकाउंटर के बाद पकड़े गए 3 बदमाश, क्रॉस फायरिंग में बाल बाल बचे डीसीपी। दिल्ली में कल और परसों भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में 400 साल पुराने पेड़ को बचाया गया है, पेड़ हाईवे के रूट में आ रहा था। मुंबई के मरीन ड्राइव पर भारी बारिश, पर्यटकों की मस्ती, स्थानीय लोगों की परेशानी। असम में बाढ़ के हालात में थोड़ी सुधार दर्ज की गई है, राज्य के 22 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बिहार में करीब 15 लाख लोगों पर टूटा बाढ़ का कहर, कई जिले जलमग्न हुए। भागलपुर में कई गांव कोसी नदी के पानी से घिर चुके हैं, नवगछिया इलाके में गांव टापू में तब्दील। कटिहार में बच्चे चॉकलेट के लालच में रसोई गैस सिलेंडर को नदी पार कर पहुंचाते हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। छपरा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है, बाढ़ के पानी ने हजारों लोगों को बेघर कर रखा है। बिहार के सहरसा में कोसी नदी ने कहर बरपा रखा है, महिषी में लोगों को खाने की परेशानी हो रही है। सकरा के विधायक पर फूटा लोगों का गुस्सा, कोरोना और बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों ने विधायक वापस जाओ के नारे लगाए। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है, निचले इलाकों में पानी घुस चुका है और लोग अब परेशान हैं। पिथौरागढ़ में लुमती पुल कोसी नदी में समा गया है, पुल की जगह दिख रहा है मलबा। चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान, हादसे में एक महिला की मौत हुई है, एक घायल जबकि कई घर जमींदोज। झारखंड के चक्रधरपुर में वज्रपात का कहर, 2 लोगों की मौत हुई है, प्रशासन ने मदद का भरोसा दिया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 47,703 नए मामले सामने आए हैं जबकि 654 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 14,83,000 के पार पहुंच चुका है, रिकवरी रेट 64% से ज्यादा। बिहार में 41,000 के पार पहुंचे संक्रमितों की संख्या जबकि 255 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में 9,000 के करीब कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है, 93 लोगों ने दम तोड़ा है। झारखंड में अब तक 3,805 मरीज सामने आ चुके हैं, 4,979 एक्टिव केस है। झारखंड में आज से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत, सीएम हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। पटना नगर निगम के कर्मचारी कोरोना को लेकर दहशत में हैं, सैनिटाइजेशन से जुड़े कर्मियों को ग्लव्स और मास्क तक नहीं मिल रहा है। पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद यह फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ज्यादा काढ़ा पीना और विटामिन गोलियां लेना ठीक नहीं है, ओवरडोज से शरीर में परेशानी हो सकती है।
एक चौथाई से ज्यादा मुंबई करों में कोरोना के खिलाफ बन चुकी एंटीबॉडी, एक सर्वे से खुलासा हुआ। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1021 नए मामले सामने आए हैं, धारावी से 9 मामले सामने आए। राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 37,000 के पार पहुंच चुका है, 1134 नए मरीज सोमवार को आए। पटना में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने की युवक की पिटाई, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, बिना मास्क पहने निकलने पर ₹200 का जुर्माना। कोरोना पर गुजरात सरकार का फैसला, बगैर मास्क सड़क पर आने पर ₹500 का जुर्माना देना होगा। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि गुंडों और अपराधियों का राज है। प्रियंका गांधी की सीएम योगी को चिट्ठी, जनता परेशान है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करें मुख्यमंत्री। विकास दुबे के भाई समेत 11 के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए अदालत में पुलिस की अर्जी, पी 25,000 के इनाम के बाद भी फरार है। कानपुर के बिकरू कांड में 80 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध है, सभी पुलिस वालों के खिलाफ एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर केस में सीएम योगी ने दिए आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश, पीड़ित परिवार को 5,00,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। गोरखपुर से किडनैप किए गए नाबालिग की हत्या, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। आयकर और ईडी करेगा जय वाजपेयी की संपत्तियों की जांच, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों विभागों को खत लिखा। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी हत्या केस में फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम, आकाश बिहारी ने 20 जुलाई को की थी। मथुरा में स्ट्रीट शीटर मनोज गोयल की करीब 1.25 करोड़ कीमत की दुकान और कार जब्त की गई है, पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 6 बदमाशों ने घर में घुसकर डाका डाला है, घरवालों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ के बाद 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, बिना नंबर के स्विफ्ट कार, 21 एटीएम कार्ड, 3 तमंचे और कारतूस बरामद। आसनगढ़ में एक युवती के साथ नर्सिंग होम में गैंगरेप, डॉक्टर और उसके 2 सहयोगियों पर रेप का आरोप। फतेहपुर में पति पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, आग को बुझाने के चक्कर में दोनों की जान गई। शहरी विकास समेत कई विभागों में 300 पदों पर भर्ती निकाली गई है, 31 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। में चेकिंग के दरमियान बाइक सवार और पुलिस के बीच हाथापाई, बाइक सवार के माथे में घुसी बाइक की चाबी। शिवराज कैबिनेट ने वर्चुअल मीटिंग कर इतिहास रचा है, चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलने समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में 2100 पदों पर भर्ती, संविदा पर भर्तियां होंगी। जबलपुर के जालसाज को पुलिस ने पकड़ लिया है, खुद जेडीए अध्यक्ष बताकर लोगों से ठगी कर रहा था। मध्य प्रदेश में अब मिल सकता है तेंदुए स्टेट का दर्जा, केंद्रीय वन मंत्रालय कल जारी कर सकता है आंकड़े। अजीत जोगी का मोबाइल नंबर बनेगा हेल्पलाइन नंबर, पार्टी की कोर कमेटी ने यह फैसला लिया। गोपालगंज में बांध टूटने पर अपनी ही सरकार पर बीजेपी उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का निशाना। दरभंगा में पिकअप वैन ने बाढ़ पीड़ितों को रौंदा है, हादसे में पति पत्नी की मौत हुई है, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। बिहार के बांका में ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, 2 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। झारखंड सरकार को बीजेपी ने बताया हर मोर्चे पर फेल, जेएमएम का पलटवार, स्वार्थ सिद्धि में जुटा है विपक्ष। साहिबगंज में युवती की पिटाई और बदसलूकी के वीडियो पर हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है, एसपी ने आरोपी को लाइन हाजिर किया। चतरा के सदर अस्पताल में मरीजों के परिजनों को अव्यवस्था का अब बोझ उठाना पड़ रहा है, बच्चों के साथ खुद ले जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। धौलपुर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, देसी हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। सोने की कीमत रिकॉर्ड 52,900 के पार पहुंच चुकी है, दिसंबर तक 65,000 तक पहुंचने का अनुमान है। देश के अलग अलग जोन में अगस्त में रहेगी 11 दिन की छुट्टी, ग्राहक जल्द अपने काम निपटा लें। दूसरे वित्तीय पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, सभी विकल्प खुले हैं, ग्रामीण औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी। ईपीएफओ ने अप्रैल जून में 73,58,000 सदस्यों के केवीसी अपडेट किए हैं। गूगल ने कोरोना संकट पर कर्मचारियों को सहूलियत दी है, 2021 तक घर से काम करने का ऑप्शन। सिमडेगा में लॉकडाउन के दरमियान महिला हॉकी खिलाड़ियों की अनदेखी, इन्हें ना तो ट्रेनिंग मिल पा रही है और ना ही बाकी सुविधाएं। इंस्टाग्राम पर 7 करोड़ फॉलोअर्स के साथ बने भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी, विश्व में रोनाल्डो मेसी नेमार के बाद चौथे पर।
बीसीसीआई और टीम फ्रेंचाइजी के बीच एसओपी पर विवाद, 1 अगस्त को बैठक में फैसला होगा। सौरभ गांगुली ने गरीब परिवार की मदद की है, फोन कर हुगली के परिवार को कोरोना टेस्ट के लिए। नेपाल में हाई वोल्टेज ड्रामा, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक रद्द होने पर प्रचंड कैंप के 20 नेता पहुंचे पीएम ओली के घर। वुहान के डॉक्टर का खुलासा, स्थानीय अधिकारियों ने कोरोना को छिपाने और सबूत मिटाने के लिए मार्केट की सफाई। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है कि अब और युद्ध नहीं होंगे, इसका श्रेय अपने न्यूक्लियर हथियारों को दिया है। बांग्लादेश में बाढ़ के हालात बदतर होते जा रहे हैं, ढाका के पास कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है। रूस के जंगलों में आग लगी, 67,000 हेक्टेयर को अपनी चपेट में आग ले चुकी है, 140 फायर फाइटर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। हन्ना तूफान ने मैक्सिको में काफी तबाही मचाई है, तूफान की वजह से कई हादसे हुए हैं। सुशांत मौत मामले में धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता का मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज हुआ है। व्यक्तिगत फायदे के लिए सुशांत की मौत का फायदा उठाने वाले सेलिब्रिटीज पर बरसे सोनू सूद, कहा जो कभी नहीं मिले वो भी बयान दे रहे हैं। बॉलीवुड में भाई भतीजावाद पर शॉटगन खामोश सिन्हा ने कहा कि बुरे दौर में गोविंदा को साइडलाइन कर फिल्में छीनी गई थी। इसी महीने शुरू हो सकती है अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष की फिल्म अतरंगी रे, कोरोना के कारण शूटिंग रोकी गई। सनी लियोनी का 6 साल बाद बेबी डॉल पर दोबारा डांस, बैकग्राउंड में डांसर्स मास्क लगाए दिख रहे हैं। कोरोना के कारण जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 और मुंबई सागा की शूटिंग 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है।